हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हमने इतना ऐप क्रिएट कर लिया था और इसका लेआउट भी हम यहाँ से सेट कर लिए थे। सेट करने के बाद इसमें इस तरह का इंटरफेस दिख रहा था। अब जब भी हम कोई इस पर क्लिक कर रहे थे, यहाँ पे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा था। तो इस वीडियो में उस एक्शन को कैसे परफॉर्म करना वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने कट कर दिया। आपको आना है मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में और यहाँ से इसके कोडिंग को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहले आपको यहाँ से इनिशियलाइजेशन कर देना होगा। तो यहाँ से आपको देखते हैं, एक्टिविटी मेन में जाएंगे तो यहाँ पे इमेज व्यू है। इमेज व्यू में मैंने कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करना है क्योंकि वहाँ से हमें कोई काम नहीं है। तो टेक्स्ट व्यू बटन और एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे 3 पॉइंट है इसलिए वहाँ पे 3 पॉइंट वहाँ पे ले लेंगे। आपको यहाँ पे लेना है प्राइवेट। प्राइवेट बटन और एम बटन, यहाँ पे ऑल्ट इंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लेना है। और उस टेक्स्ट व्यू का नेम होगा एम एडिट टेक्स्ट। एम टेक्स्ट व्यू आप जो चाहे वो नेम यहाँ से आप दे सकते हैं। देने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे हमारा एडिट टेक्स्ट अभी बचा है उससे भी यहाँ पे कर लेते हैं प्राइवेट। और इसका नेम यहाँ से रख देते हैं एम एडिट टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ से इनिशियलाइजेशन कर दिया। इनिशियलाइजेशन करने के बाद इन सब में हमें एक्शन परफॉर्म करना है तो वो हमें आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको पहले लिखना है, पहले बटन में हम एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है एम फाइंड व्यू बाय आईडी। और नीचे हमें टेक्स्ट व्यू में भी कर देना है। फाइंड व्यू बाई आई डी कैपिटल आर डॉट आई डी डॉट यहाँ पे हमें एडिट टेक्स्ट कर देना है। ठीक है, मैंने इतना कंप्लीट कर लिया। इसके बाद से आपको नीचे आना है और नीचे में आपको लिखना है, तो यहाँ पे एम बटन है जो हमारा बटन का नेम। यहाँ से टेक्स्ट व्यू का जो नेम यहाँ से दिया था मैंने एम टेक्स्ट व्यू दिया था, बटन का एम बटन दिया था मैंने, एडिट टेक्स्ट का यहाँ पे एडिट टेक्स्ट ही दिया था। उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मेन एक्टिविटी में यहाँ से मैंने लिखा है। लिखने के बाद आपको आना है नीचे और यहाँ पे टाइप करना है हमें एम बटन, क्योंकि जो एक्शन है हमें अभी एम बटन में ही परफॉर्म करना है। डॉट सेट स्ट्रिंग डॉट बटन नेम। तो यहाँ पे ऐप का नेम आएगा, तो ऐप का नेम हमने यहाँ से दिया बटन नेम। नीचे कर जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है एम बटन डॉट सेट ऑन क्लिक डॉट क्लिक लिसनर न्यू। यहाँ पे वी प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ से टैब प्रेस कर देना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ से लिखना है स्ट्रिंग
इंटर द टेक्स्ट, स्ट्रिंग इंटर द टेक्स्ट, यहाँ से नीचे आना है और इंटर टेक्स्ट में, इंटर टेक्स्ट इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा एम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। एम ऑफिस के बाद हमने टेक्स्ट व्यू में एक्शन परफॉर्म करना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है एम टेक्स्ट व्यू व्यू डॉट विजुअल, और हमारा लास्ट स्टेप्स है एम टेक्स्ट व्यू। हम आपको अभी समझा देंगे, इसमें पहले हम एडिटिंग यहाँ से कर लेते हैं, इसकी सारी कोडिंग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो कोडिंग है वो कंप्लीट हो गई, पहले आप यहाँ से देख लीजिए। तो यहाँ से मैंने तीन बटन यहाँ से लिया है, बटन टेक्स्ट व्यू और एडिट, तीन ही यहाँ पे तीन बटन पे हमें एक्शन परफॉर्म करना है। प्रीव्यू में आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट और बटन और उसके बाद से एडिट टेक्स्ट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इमेज से कोई मतलब नहीं है, आप इमेज कोई भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो मेन एक्टिविटी में आपको देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तीनों लेने के इनिशियलाइजेशन करने के बाद यहाँ से हम बटन में आएंगे, बटन को भी यहाँ से हम कर देंगे, और यहाँ पे बटन में हमें एक्शन को परफॉर्म करना है। यहाँ पे बटन नेम है, बटन का नेम को यहाँ से देना है, और एम बटन में जो जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो हमें यहाँ से लिख लेना है, ठीक है। करने के बाद हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो आपको एरर को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ ना स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में कोई भी एक्शन आप जब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्या प्रिंट हो गया है, सॉरी यहाँ से देख सकते हैं। बटन का नेम आप वहाँ पे कैसे देख सकते हैं और कैसे वहाँ से यूज करेंगे वो हम यहाँ से करेंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल इसे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे हमें इनिशियलाइजेशन करना होगा स्ट्रिंग नेम, बटन नेम जो वहाँ पे आपको रेडी शो रहा था, और यहाँ पे शो मी। और जो इसका टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट को आप किस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं उसे भी यहाँ से हम कर देंगे। यहाँ पे आपको लिखना है शो टेक्स्ट, हेलो देव, इसके बाद हम इसे रन करेंगे। तो यहाँ से मैंने बटन का नेम दे दिया और जो शो होके आएगा जो आप टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप हो जाएगा। तो ऐसे मैंने रन कराया, यहाँ से रन हो रहा है, अभी देखते हैं प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो रन होके आ गया। इसके बाद जब हम यहाँ पे कुछ भी क्लिक करते हैं, यहाँ से मैंने लिख दिया टेक्निक, फिर शो में जब करेंगे तो यहाँ से कुछ यहाँ पे एडिट होके आएगा, तो हम देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं। शो में किया मैंने, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं टेक्निक। कुछ और अगर टाइप करेंगे, इसके बाद शो में करेंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं शो में किया मैंने, तो यहाँ से देखिए आ रहा है, यानी प्रॉपर ये वर्क कर रहा है। अब इसका यूज आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, तो वो आपका जो प्रोजेक्ट होगा काफ़ी अच्छा शो होगा और बहुत ही अच्छा लुक देगा। होप यू गाइस यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।